क्वेश्चन है कि मान लो आपको क्वेश्चन में गिवन है अर्थ है, अर्थ है, अर्थ का मास तुम्हें M1 गिवन होगा, जो भी होगा पेपर में। इस अर्थ के सामने लेटर सपोज एक और ऑब्जेक्ट है, मान लो चलो मून है, मून है, मून का मास M2 है। तुम्हें इनके बीच में डिस्टेंस भी क्वेश्चन में गिवन होगा, और सपोज वो डिस्टेंस कितना है R, तो ये भी गिवन है, ये भी गिवन होगा, ये भी गिवन होगा। वो ये कहेगा कि एक रॉकेट अर्थ से मून की तरफ जा रहा है, और कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर मान लो रॉकेट का मास m है, जहां पे इस रॉकेट की नेट फोर्स जीरो हो गई, बताओ वो पॉइंट कहां पे है। तो मान लो वो पॉइंट x दूरी पे है। ऐसा क्यों होगा वैसे? हो सकता है, हो सकता है, क्यों? क्योंकि जब आप दूर जा रहे हैं, अर्थ जो है इस मास को खींचे जा रही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ग्रेविटी, हाँ इसकी कम हो रही है ग्रेविटी, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ती जा रही है, और मून इसे अपनी तरफ खींच रहा है, उधर से मून खींच रहा है, इधर से अर्थ खींच रही है। और अगर नेट फोर्स जीरो है तो ये दोनों वेक्टर्स आपस में मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, और आपस में कैंसिल कर रहे हैं, तभी आंसर जीरो है। तो बताएं अर्थ ने इस रॉकेट पे क्या फोर्स लगाई? जी m1 m/x² लगाई, और मून ने क्या लगाई? जी m2 m/r-x² लगाई। और क्योंकि नेट फोर्स जीरो है तो लेफ्ट और राइट की फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, ये आपस में कैंसिल कर रही हैं, इन इक्वेट कर देते हैं, तभी नेट फोर्स जीरो आएगी जो क्वेश्चन में गिवन होगी। मास ऑफ रॉकेट नहीं भी गिवन तो एज्यूम करके कैंसिल ही हो जाएगा, जी जी कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ गिवन है, यहाँ से सॉल्व करके क्या आएगा? एक्स आएगा। बहुत फ्रीक्वेंट आने वाला क्वेश्चन है ये कि बताओ जहां पर नेट फोर्स जीरो होगी तो आपने ये कॉन्सेप्ट लगाना है। हाँ, मैं बस यही क्वेश्चन पूछने वाला था कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहिए था कि सर आपने ग्रेविटी की फोर्स, न्यूटन का लॉ मून और अर्थ पे कैसे लगा दिया? लेक्चर की स्टार्टिंग में आपने बोला था कि तो पॉइंट मासेस के लिए वैलिड है, जबकि मून और अर्थ पॉइंट मासेस नहीं है। तो रॉकेट पॉइंट मास है, अर्थ और मून तो बिल्कुल भी पॉइंट मास नहीं। फिर तो ओके, इसका रूल है, हम न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास स्फेरिकल मासेस पे लगा सकते हैं, सिर्फ स्फेयर्स के लिए लगा सकते हैं, क्योंकि स्फेयर का जब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मास उसके सेंटर पे रखा जाता है और वो पॉइंट मास बन जाता है। पर रॉड में, डिस्क में, किसी भी दुनिया की और फिगर में मत लगा देना। और मैं इसका जो प्रूफ हम क्यों लगा सकते हैं ऐसा, इसका प्रूफ भी है, प्लस वन में नहीं है, प्लस वन में तो दो थ्योरम्स करके बंद किया हुआ है, पर थ्योरम बता देगी स्फेयर शेल के लिए वैलिड है। एक्चुअल में प्रूफ प्लस टू में है, क्योंकि प्लस टू के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में इसका बहुत, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ग्रेविटेशनल से के टॉपिक से 4 गुना ज़्यादा बड़ा सिखाया जाता है, 4 times more। अगर ग्रेविटेशन, अगर मान लो आप लगाओ ये 12 दिन का चैप्टर है तो वो 48 दिन का चैप्टर है, आप लगा के चलो कि इतना मतलब 60 दिन लग जाएंगे, 2 महीने का पूरा कोर्स है सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को समझना, और ग्रेविटेशनल फील्ड की तरह ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। तो प्लस वन के अंदर आप ये लगा के चलें कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो क्वेश्चन प्लस टू इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ लिंक्ड होंगे, हो सकता है उन क्वेश्चन में आपको ट्रबल आए, मैं मार्क करवा दूंगा कहाँ कहाँ दिक्कत है। हालांकि मैं प्लस टू के कुछ टॉपिक्स के कुछ रिजल्ट्स प्लस वन में करवा दिया करता हूँ ताकि एटलीस्ट आपके PYQ ना रुके, लेकिन मैं उतने प्रूफ नहीं दे पाऊंगा, नहीं तो हमें भी 1 महीना और लगाना पड़ जाएगा सीखने के लिए। तो मैं आपको जितना बुक्स में गिवन है उतना तो करवा ही दूंगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ चैप्टर्स आपस में लिंक्ड है अंदर से। अब तुम मुझसे पूछो कि स्फेयर के लिए क्यों लगाया, ये आपको गॉस थ्योरम करके एक प्रूफ है, वहां से पता लगता है, पर अभी आपको मेरी माननी पड़ेगी। ठीक है जी, आप कह रहे हैं तो कह दिया स्फेयर्स के लिए वैलिड है और फिगर के लिए वैलिड नहीं है, पॉइंट मास के लिए वैलिड है, अब मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, बोलो बोलो। सेंटर से, स्फेयर्स में सेंटर के डिस्टेंस से लिया जाता है, और एक्स भी सेंटर के डिस्टेंस से ही लिया जाता है, क्योंकि इसमें तो जो फिगर है ना वो तो अगर डिपेंड करता है, देखो ऐसा है, 2 टाइप के न्यूमेरिकल हैं। पहले में तुम्हें सिर्फ मास M1 M2 दिया जाएगा, वो पॉइंट मास ही होते हैं, उसका रेडियस नहीं दिया जाता। हाँ, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको रेडियस भी दे, फिर आपको डिस्टेंस ही सेंटर से लेने हैं। तो मतलब मैं इस क्वेश्चन के अंदर कोई शेप मैटर नहीं कर रहा, मैं इस क्वेश्चन के अंदर सिंपल क्या कर रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन में बस पॉइंट मास लेके काम कर रहा हूँ, दैट्स इट,
सिंपल, ठीक है। लेकिन अगर कल को स्फेयर आया तो आपको सेंटर से ही सारे डिस्टेंस लेने हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, ये तो बहुत आता है पेपर में, ऑब्जेक्टिव में। आपके पास इमेजिन करो, एग्जाम्पल अभी मन से बना रहा हूँ, 10 kg का मास है। आपको इस मास को दो हिस्सों में तोड़ना है, दो पार्ट्स में तोड़ना है, और उन मासेस को आर डिस्टेंस दूर रखना है, सच दैट फोर्स मैं चाहता हूँ उनके बीच में क्या हो, मैक्सिमम हो। तो मैं कैसे तोड़ूँ? अब एक स्टूडेंट आया, वो कहता है ऐसे तोड़ दो 1 kg और 9 kg, दूसरा कहता है 2 kg, 8 kg, 3 kg, 7 kg, 4 kg, 6 kg और 5 kg, 5 kg और ये 6 kg, ये तो लिखने की जरूरत नहीं, पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो आंसर क्या होगा? 5 5। क्यों? क्योंकि जो फोर्स है वो जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर है। अब आर तो चेंज हो ही नहीं रहा, तो फोर्स किस पे डिपेंडेंट है? प्रोडक्ट ऑफ मासेस। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है? 9। यहाँ पे कितना आ रहा है? 16। यहाँ पे कितना आ रहा है? 21। यहाँ पे 24। यहाँ पे सबसे मैक्सिमम 25। तो अब बराबर बराबर हिस्सों में तोड़ना, आपका आंसर मैक्सिमम आएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि आपके पास एक मास है m, m को आपने m1 और m2 में ब्रेक कर दिया, तो बोलो m1 m2 क्या होगा? m/2 and m/2 होगा। फिर अगला ऐसा क्वेश्चन आता है, आपके पास एक मास है m, आपने इसको ऐसे तोड़ दिया m और m-m, तो बताओ m और m की रेशियो क्या होगी? आंसर क्या है? हाफ। हाफ होगी ना, स्मॉल m इज इक्वल टू m बाई टू, ये देखो, तो m बाई m क्या हो जाएगा? हाफ। तो मतलब कई तरीके से घूम घूम के आता है, पर मैंने आपको बता दिया कि इक्वल मास में ही तोड़ना है, क्लियर है। तो इस बात को कई बुक्स के, ये तो मेरा सोल्यूशन है, मैंने खुद बनाया ऐसा, मतलब समझाने के लिए, बुक्स में ऐसे सोल्यूशन गिवन होता है कि टोटल मास m है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है ताकि f मैक्स करना है, तो तुम एक मास छोटा m ले लो, एक m-m ले लो, इनके बीच में फोर्स निकाल दो, जी m m-1 m/r2। तो तुमने फोर्स को मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाओ मैथ्स का, किसी भी चीज़ को अगर मैक्सिमम करना है तो उसको डिफ्रेंशिएट इक्वल टू जीरो, और डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या? वेरिएबल जो निकालना है, क्या निकालना है? छोटा मास। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना, करके अपने आप ही आंसर हाफ आ जाएगा। पर मैंने तुम्हें बता ही दिया एक सेकंड में कि इसको आधा आधा डिवाइड कर दो, आपका क्वेश्चन तो गलत नहीं होता, बट कल को कोई क्वेश्चन मॉडिफाई हो जाए तो कम से कम टेक्निक तो पता हो कि किया कैसे था, क्लियर है। इसके अलावा सपोज आपके पास दो पार्टिकल्स हैं, वो कहेगा ये इनके मैं क्यों करवा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव शीट दूंगा होमवर्क के लिए, उनमें एक कॉन्सेप्ट यूज होना है, मैं पहले बता दूँ, इसलिए बता रहा हूँ, हिंट दे के छोड़ रहा हूँ, वो घर में काम आएंगे आपके। तो ये दो पार्टिकल हैं, दो पार्टिकल सर्कल में घूम रहे हैं, और कितने रेडियस में घूम रहे हैं? आर, ये भी आर, ये भी आर, इनका सेंटर ये रहा। सर्कल में घूमने के लिए कौन सी फोर्स रिक्वायर्ड है? सेंट्रीपेटल। अब यहाँ पे सेंट्रीपेटल कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये देखो, ग्रेविटेशनल का लॉ कहता है कि स्मॉल m इस स्मॉल m को खींचेगा और ये छोटा m इस स्मॉल m को खींचेगा, कितनी फोर्स से? जी m m बाय r का स्क्वायर की 2r का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है? जी m m बाय उनके बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर, और क्योंकि दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट घूम रहे हैं तो यहां पर क्या आएगा? 2r का स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें क्या लगेगी? जी एम एम बाई टू आर का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आती है? कोई डाउट इसमें? अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे भी लग रही है और इस पे भी लग रही है, और इस पे लगी ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ एक्ट कर रही है? इसके सेंटर पे, और यही एक्ट करेगी सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल एम मास की क्या होगी? बोलो एम वी स्क्वायर बाई आर की 2r, एम वी स्क्वायर बाई क्या? पहले तो 2r बोला लेकिन तुमने r, एम वी स्क्वायर बाई आर। जब फॉर्मूला लगेगा तो r स्टैंड फॉर रेडियस, और रेडियस क्या है यहां पर? r। और जब न्यूटन का लॉ लगेगा ग्रेविटेशन का, तो उनके बीच में रेडियस नहीं है, वो डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस कितना है इनके बीच में? 2r। तो इसलिए जब ग्रेविटेशन ली तो जी एम एम बाई 2r स्क्वायर, और जब सेंट्रीपेटल ली एम वी स्क्वायर बाई r। अब ग्रेविटेशनल फोर्स ही क्या प्रोवाइड कर रही है इस पार्टिकल को? सेंट्रीपिटल। इन इक्वेट कर लेना और निकाल लेना, जो निकालना है वही पूछेगा।
मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका? कोई डाउट है इसमें? सेंट्रिपिटल है तो अंदर ही है, ठीक। हिंट दे रहा हूं, करना आपको है। वो ये कहेगा कि मेरे पास ना एक तोलने, ये एक तराजू है, तोल रहा है मुझे, जैसे वो कोई सेब तोल रहा है, रख के एक बैलेंस है। अब मास दोनों बैलेंस पे सेम है, वेइंग बैलेंस है, ठीक है, मास सेम है। अब लॉजिक तो ये कहता है भाई मास सेम है तो वेट भी सेम है, एम जी एम जी सेम है, एम जी एम जी सेम है तो लेवल दोनों पैंस के क्या रहेंगे, एग्जैक्टली सेम। लेकिन ये कहता है कि मैंने जो ये जो वेइंग बैलेंस लिया, इसका जो धागा है ये कई किलोमीटर लंबा ले लिया, और पता नहीं कौन से हेलीकॉप्टर पे चढ़ के इसने वहां पर अर्थ के बहुत किलोमीटर ऊपर उसको तोलना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या, यहां का मास एम है, यहां का भी एम है, पर क्योंकि अर्थ के बहुत हाइट ऊपर जा चुका है तो यहां पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग हो गई, यहां पर अलग हो गई, हाइट से चेंज हो गई। बोलो वेट का डिफरेंस कितना है, ये क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव शीट जो होमवर्क दूंगा उसमें आएगा। अब वेट का डिफरेंस आ क्यों रहा है, क्योंकि जी की वैल्यू हाइट से क्या हो रही है, चेंज। यहां पे जी की वैल्यू क्या है, जी टू क्या लगाओगे, जी वन माइनस टू, मान लो सरफेस और अर्थ से डिस्टेंस कितना है, एच टू, ये फॉर्मूला है। यहां पे क्या लगाओगे, जी वन माइनस टू एच वन बाय आर, फिर तुम इन दोनों वेट को क्या करोगे, माइनस एम से मल्टीप्लाई करके वेट आ गया, इन्हें माइनस करोगे, माइनस करके फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव में ही देखेंगे। मैंने आपको हिंट दे दिया कि लॉजिक क्या लगेगा, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा लंबा है, मतलब ये आप कैलकुलेशन खुद करेंगे, नहीं करेंगे तो मैं डाउट तो लूंगा ही लूंगा, बट एक बार आप ट्राई करके आए, दूंगा अभी होमवर्क, उसमें अनसॉल्व है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि सन है, सन के आसपास अर्थ घूम रही है, सन के आसपास अर्थ घूम रही है, अर्थ एक पॉइंट मास है, हमने लॉजिक किया हुआ है जब अर्थ घूमेगी तो वेलोसिटी चेंज होगी। यहां पे जब आर मैक्स है तो वेलोसिटी मिनिमम है, और जब आर मिनिमम है तो वेलोसिटी मैक्सिमम है। घूमती हुई अर्थ का एल कॉन्स्टेंट है, एम वी आर इज अ कॉन्स्टेंट, तो ऐसा ऑब्जेक्टिव आएगा, एम वेलोसिटी जहां मिनिमम है, आर मैक्स है, एम वेलोसिटी जहां मैक्स है, आर मिनिमम है। अब ऑब्जेक्टिव देख लेना, जो आएगा मार्क कर लेना। और दूसरा ऐसा भी आता है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला जरूरी नहीं है कि एम वी आर लगाएं, आप ऐसा भी लगा सकते हैं, आई वन ओमेगा वन एट पॉइंट पी, आई टू ओमेगा टू एट पॉइंट पी, सेम कर देना। आई वन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई वन पी पॉइंट पर, पॉइंट मास है एम इंटू आर मैक्स का स्क्वायर, लेकिन ओमेगा यहां पर मिनिमम है, और यहां पे एम आर मिनिमम का स्क्वायर, ओमेगा यहां पर मैक्सिमम है, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। मतलब अगर क्वेश्चन ओमेगा में पूछा तो ऐसे करना है, वी में पूछा तो वैसे करना है। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये बुकलेट रख लेना, एटलीस्ट जो भूल गए एटलीस्ट वहां से देखा जा सकता है कि क्वेश्चन कैसे करना है। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, राइट सेट, ऑब्जेक्टिव होमवर्क ले लो।